कैसे फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल डीके क्रिएशन में। जैसा कि फ्रेंड्स आपने मेरे थंबनेल को देख ही लिया होगा और जैसा कि फ्रेंड्स आप लगे कोना सेट फोटो को देख सकते हैं, किसी कॉन्सेप्ट पे मेरा वीडियो है ग्रीन टोन इफेक्ट। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कैसे अपने फ़ोन में ग्रीन टोन इफेक्ट ला सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको ओपन करें लाइट रूम। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अपने लाइट रूम को ओपन कर लिया है, फिर फ्रेंड्स अपने फोटो का लेना सेलेक्ट। जैसे कि फ्रेंड्स आपने अपने कहीं पार्क में फोटो शूट करवा रखा होगा तो उस फोटो का लेना सेलेक्ट। उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है सेलेक्टिविटी पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स जो देखिए थ्री आइकन पे क्लिक करना है और इसके वाला आइकन क्लिक करना है और इसे स्वाइप कर देना नीचे से। फिर एक्सपोज़ कर देना है कम और ब्लैक को भी कम कर लेना है आपको 30% से। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आपको जाना है लाइट पे। लाइट पे जाने के बाद फिर मिक्स टूल पे जाइए, फिर रेड कलर देखिए उस पर सेलेक्ट करना है आपको और सैचुरेशन कर लेना है कम और ल्यूमिनस को बढ़ा लेना है। फिर सेकंड आइकन देखना है ऑरेंज को उस पर कम कर है उसमें सैचुरेशन कर लेना है कम और ल्यूमिनस को बढ़ा लेना है। जो आपको दिखे येलो कलर उस पर क्लिक करना है और यू को बढ़ा लेना है आपको। ल्यूमिनस को कम कर लेना है आपको और सैचुरेशन को भी कम कर लेना है। फिर ग्रीन आइकन देखिए उस पर क्लिक करना है और उसको 100 रखना है आपको यू को पूरा और सैचुरेशन कर लेना है कम और ल्यूमिनस को बढ़ा लेना है, थोड़ा सा बढ़ाना है आपको। फिर देखिए स्काई ब्लू उस पर क्लिक करना है और यू को भी पूरा 100 रखिए इसे और सैचुरेशन कर लेना है कम और ल्यूमिनस को बढ़ा लेना है 32 पर रखना आपको। और जिसे पर्पल का उस पर क्लिक करना है यानी ब्लू कलर दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, उसको यू को रखना है आपको माइनस में एंड सैचुरेशन को भी -30 पर रखना है एंड ल्यूमिनस को 32 पे। एंड देखिए पर्पल का उस पर क्लिक करना है और सैचुरेशन कर लेना है कम। इससे फ्रेंड्स हमारा जो क्लो का कलर दिखा उससे हमारा चेंज हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। फिर देखिए लास्ट कलर दिखा उस पर क्लिक करना, यू को रखना 60 पे एंड सैचुरेशन को 30 पे एंड ल्यूमिनस को 52 पे। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए सेकंड आइकन फिर से ग्रीन वाला आइकन पर क्लिक करेंगे और सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे इस बार एंड येलो कलर दिखा उस पर क्लिक करना है और इस बार भी इसे पूरा बढ़ा लेना 100 कर देना इसे और ल्यूमिनस को भी कम कर लेना इसे -16 पे रखना है। फिर इसके बाद फ्रेंड्स आपको डन कर लेना है। अब इसमें डन कर लेने के बाद फ्रेंड्स आपको दिखा 4 का आइकन दिखा कलर का, उस पर क्लिक करना है। पहले टिनिट पर क्लिक करेंगे फिर उसके टेम्परेचर कर लेंगे कम एंड टिनिट को 9 पर रखना है, 5 to 9 के अंदर रखना है आपको। एंड वेरियंस को कम कर लेना है और सिचुएशन को बढ़ा लेना थोड़ा। फिर आते हैं फ्रेंड्स इफेक्ट पे। थोड़ा सा इफेक्ट लाने के लिए हम इफेक्ट वाले आइकन पे आ चुके हैं। फिर उसके बाद टेस्चर को बढ़ा लेंगे, देन उसके बाद विगिनिटी को कम कर लेंगे और ग्रेन अमाउंट को बढ़ा लेंगे थोड़ा। एंड नेक्स्ट द शार्पिंग उस पर क्लिक करेंगे, शार्प को बढ़ा लेंगे आपको रखना 15 पे और नॉइज रिडक्शन को रखना है आपको 20 पर रखना है आपको 18 to 20 के अंदर रखना है। फिर जैसे कि फ्रेंड्स देख सकते हैं कि हमारा जो फोटो तकरीबन लाइट रूम का इफेक्ट हो चुका है। फिर यहाँ से आपको कर लेना है डन। फिर फ्रेंड्स तो ऐसे इफेक्ट लाने के लिए हमें अब जाना पड़ेगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैं अपने पिक्स आर्ट में आ चुका हूँ, अब इफेक्ट लाने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हम जाएंगे इफेक्ट वाले पे एंड ब्लर वाला आइकन पे क्लिक करेंगे एंड तो ब्लर साइज को कर लेंगे कम कर लेंगे इसको एंड देन इसके बाद इरेज वाला आइकन पे क्लिक करेंगे एंड नाउ फोर्थ आइकन पे क्लिक करके ब्रश वाला आइकन क्लिक कर देना आपको एंड आफ्टर दैट आप उसके आपको करना है साइड से ब्रश कर लेना, ठीक है। फिर फ्रेंड्स आपको जाना साइज कर लेना छोटा आपको रखना 14 पे एंड ऑपेसिटी भी कम कर लेना आपको रखना 17 पे, हार्डनेस को 67 पे, ठीक है फ्रेंड्स। आपको फिर इसका ब्रश करना शुरू कर देना आपको साइड से। जैसे कि फ्रेंड्स देख रहे हैं कि जिस तरह मैं कर रहा हूँ आपको इसी तरह करना पड़ेगा, ब्लरिंग का ऑप्शन करना है इसी तरह आपको भी, ताकि फ्रेंड्स आपके फोटो में इस तरह का गजब कूल ब्लरिंग ऑप्शन आ जाए। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने इसे कर लिया है, देख सकते कि फ्रेंड्स कितना कूल नज़र आ रहा है इसमें, मैंने कितने एकदम DSLR की तरह मैंने इसमें ब्लरिंग ऑप्शन डाला है मैंने। फ्रेंड्स आपको 2 ऑप्शन की तरह आप इसे कर सकते हैं। दिख रहा है जो आइकन दिख रहा है आपको ह्यूमन वाला, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक आपका ब्लर ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स मैं रिवर्स आ जाता हूँ। फिर उसके बाद आपको डन कर लेना है एंड डन कर लेने का फ्रेंड्स सेव कर दीजिए यहाँ से एंड फ्रेंड्स आपको जाना है ड्रॉ पे। जैसे कि फ्रेंड्स ड्रॉ में आ चुके हैं
एंड फिर उसके बाद जाएंगे ऐड फोटो पे और वहाँ से एक PNG का लेना सिलेक्ट। फ्रेंड जितने भी इसमें PNG यूज़ होंगे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोडिंग कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अपने PNG के लिए मैंने सेलेक्ट एंड फ्रेंड इसके बाद स्किन का लेना है आपको एंड देन उसके बाद जो दिख रहा है आइकन ऊपर उस पर क्लिक करना है और 3 डॉट पर क्लिक करके इसे ट्रांसफॉर्म कर देना है एंड इसके साइज को बढ़ा लेना है एंड कॉर्नर साइड इसे एडजस्ट कर देना है। अगर फ्रेंड्स अब जिस साइड फेस में बैठे होंगे उस फेस में आपको उस साइड के अपने फेस की तरफ इसे लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके इफेक्ट लाने के लिए थोड़ा सा इसको कर लीजिए। फिर फ्रेंड्स एक और इम्पिटी ले लेना आपको एंड फिर उसके फोटो पर क्लिक करना है एंड देन उसके बाद एक और PNG कर लेना है सिलेक्ट। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप इसको इजीली डाउनलोडिंग कर सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स मैंने अपने PNG को मैंने सिलेक्ट कर लिया है, आप देख सकते हैं कि इसको कर लिया मैंने सिलेक्ट। फिर फ्रेंड्स इसके साइज को बढ़ा लेना है आपको। फिर फ्रेंड्स को आपको इसको रोटेट कर लेना है, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड्स इसे रोटेट कर लेना है आपको, ठीक है, एंड साइज को बढ़ा के आपको रोटेट कर लेना है। फिर फ्रेंड्स आपको ट्रांसफॉर्म कर देना है देन इसके बाद फिर आपको साइज बढ़ा लेना है। जैसे तक कि फ्रेंड्स आपको भी इसी तरह करना होगा, आपको साइज को बढ़ा के करना है आपको, तब आपके फोटो में थोड़ा सा इफेक्ट आ पाएगा इसकी वजह से। फिर फ्रेंड्स आपको थोड़ा इरेज कर लेना है, जैसे कि आपके फेस में थोड़ा ब्लर का ऑप्शन पड़ेगा उसको इरेज कर लेना है आपको। जैसे कि फ्रेंड्स मैंने इसे कर लिया है, आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स कितना ऑसम लग रहा है। फिर फ्रेंड्स आपको इस फोटो का कर लेना है।